श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की तीसरी और पहली महिला प्रधानमंत्री थीं। उन्होंने देश हित में कई कठोर फैसले लिए। एक बार जब वह कोई निर्णय ले लेती थीं, तो फिर पूरी कठोरता से उसे लागू भी करती थीं। आइए आज के इस वीडियो में हम श्रीमती इंदिरा गांधी से संबंधित कुछ रोचक और दिलचस्प तथ्यों को जानेंगे। निश्चित रूप से इनमें से कुछ ऐसे भी तथ्य होंगे जिन्हें शायद आप पहली बार जानेंगे। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। उनका मूल नाम इंदिरा नेहरू था। इंदिरा नाम उनके दादा मोतीलाल नेहरू ने रखा था। उनके घर का नाम इंदू था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद जब उनका एडमिशन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन में हुआ, तो उनके साथ उनके इंटरव्यू के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने ही उनका नाम प्रियदर्शनी रखा था, जिसका शाब्दिक अर्थ सब कुछ दया से देखना होता है। इस तरह से उन्हें इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू के रूप में जाना जाने लगा। इंदिरा गांधी के अंदर राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। अपने देश के प्रति उनका यह जज्बा उनके बचपन से ही दिखने लगा था। जब वह महज 5 वर्ष की थीं, उस समय भारत में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। इसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्यक्रम भी शामिल था। 5 साल की इंदिरा ने इस आंदोलन से प्रभावित होकर अपनी सबसे पसंदीदा गुड़िया जला दी थी। यह गुड़िया इंग्लैंड में बनी हुई थी। बहुत कम लोगों को पता है कि इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की इकलौती संतान नहीं थी। उनकी मां कमला नेहरू ने नवंबर 1924 ईस्वी में एक पुत्र को भी जन्म दिया था, लेकिन वह केवल 1 सप्ताह ही जीवित रहा था। इंदिरा गांधी ने अपनी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला 25 साल की उम्र में किया, जब उन्होंने कांग्रेस और परिवार के विरोध के बावजूद गुजरात के पारसी युवक फिरोज से विवाह करने का निश्चय किया। फिरोज के पिता का नाम जहांगीर और माता का नाम रतीबाई था और ये पारसी धर्मावलंबी थे। दोनों के अलग अलग धर्मों के होने के वजह से भारतीय राजनीति में खलबली मचने का डर नेहरू परिवार को था। ऐसे में महात्मा गांधी ने फिरोज को गांधी सरनेम की उपाधि दे दी और इस तरह वह फिरोज गांधी बन गए और इंदिरा नेहरू अब इंदिरा गांधी बन गई। दोनों का विवाह 16 मार्च 1942 ईस्वी को हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हुआ था। बहुत कम लोगों को पता होगा कि राजनीति के अपने शुरुआती सफर के दौरान इंदिरा गांधी को सार्वजनिक मंचों से बोलने में हिचकिचाहट महसूस होती थी। 1969 ईस्वी में जब उनको बजट पेश करना था, तो वह इतना डर गई थीं कि उनकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। इंदिरा गांधी ने जब राजनीति में प्रवेश किया तो वह हमेशा चुप रहती थीं, जिसके कारण विपक्ष उन्हें गूंगी गुड़िया कहकर पुकारने लगा था। लेकिन दिसंबर 1971 ईस्वी में भारत पाक युद्ध में भारत की निर्णायक जीत और बांग्लादेश के निर्माण के बाद उस समय विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा उन्हें दुर्गा के रूप में सम्मानित किया गया। चीन द्वारा टेस्ट नंबर 6 के बाद इंदिरा गांधी ने 1967 ईस्वी में परमाणु कार्यक्रम को बढ़ावा दिया। इसकी परिणति 1974 ईस्वी में राजस्थान के पोखरण नामक रेगिस्तानी गाँव के पास सफलतापूर्वक भूमिगत परमाणु परीक्षण के रूप में हुई, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था। 1971 का बांग्लादेश युद्ध, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1974 का पोखरण परमाणु विस्फोट, ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे निर्णय लेने की वजह से इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है। इंदिरा गांधी निहायत ही सफाई और व्यवस्था पसंद थी। उनकी तेज नजरों से दीवार पर लगी कोई भी तिरछी तस्वीर नहीं बच सकती थी, चाहे वह तस्वीर 1 सेंटीमीटर ही टिल्टेड क्यों ना हो। इंदिरा गांधी की एक अनूठी बात यह थी कि वह हमेशा जेंट्स वॉच पहनती थीं। यह उनकी पर्सनालिटी को एक अलग ही लुक देता था। मिंक कोट और रेशम की साड़ी वाले अपने लुक में इंदिरा गांधी ने अपनी पूरब और पश्चिम के
व्यक्तिगत पसंद को मिलाकर रख दिया था। इंदिरा गांधी का ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव था। यह एक रेयर ब्लड ग्रुप होता है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में केवल 7% लोगों में ही यह ब्लड ग्रुप पाया जाता है। 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को इंदिरा गांधी की जब हत्या कर दी गई तो उन्हें फौरन एम्स ले जाया गया था। वहां 12 डॉक्टरों की एक टीम ने चमत्कार करने की पूरी कोशिश की थी। उन्हें एक आर्टिफिशियल लंग और हार्ट मशीन पर रखने के बाद उनके शरीर से 7 गोलियां निकाली गईं। इस प्रक्रिया में उन्हें ओ निगेटिव ग्रुप की 88 बोतलें खून चढ़ाई गई थी, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। भारतीय राजनीति में गेंदे के फूल का अपना एक अलग ही महत्व है। कोई भी राजनीतिक आयोजन या स्वागत समारोह इसके बिना सोचना भी फिजूल है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि श्रीमती इंदिरा गांधी को गेंदे के फूल से एलर्जी थी। इसीलिए उनके स्टाफ्स को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि उनका कोई भी प्रशंसक उनके पास गेंदे का फूल लेकर ना आ पाए। लेकिन इसे एक विडंबना ही कहिए कि उनकी हत्या के बाद जब उनके पार्थिव शरीर को त्रिमूर्ति भवन में लोगों के दर्शन के लिए रखा गया तो उनके चारों तरफ गेंदे के ही फूल थे। कैसा लगा यह वीडियो आपको? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच इसे सोशल अकाउंट्स पर वाइडली शेयर करें। आपकी बेशकीमती राय की हमेशा प्रतीक्षा रहेगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।